इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम जिला ग्राम पंचायत चुनाव का माहौल शिद्दत इख्तियार कर रहा है। उम्मीदवारों का जज्बे उरूज पर है। शराब कबाब के और कहीं कहीं शबाब का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सियासी पार्टियां भी अपनी कुव्वत को झोंकते देखा जा रहा है। कांग्रेस भाजपा जैसे कुल हिंद पार्टियां भी अपने हिमायतों के जीतने में भी जान लगा रहे हैं। भले ही किसी पार्टी के निशान या पार्टी के लीडर का फोटो तस्वीर इस्तेमाल करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। चुनाव प्रचार करने पर ममानियत भी है, पर अपनी हिमायतों को हर लिहाज से मदद की जा रही है। कई जगहों पर बिन मुखालिफ यानी बिन विरोध कहा जाता है जिताया भी जा रहा है। खैर, ग्राम पंचायत चुनाव में भी महफिलों का दौर जारी है। वैसे हर चुनाव में पैसों का ही खेल होता है ऐसा कहा जाता है, पर जितनी धूम ग्राम पंचायत में देखी जा रही है कुछ ज्यादा ही है। लिहाजा कुछ तब्दीलियां भी देखने को मिल रही। इससे पहले पार्टी महफिलों को होटलों, बार, रेस्टोरेंट में सजाया जाता था, पर अब खेतों में, देहात के मैदानों में देर रात तक शराब कबाब की महफिलें सजाई जा रही है। कुछ उम्मीदवार तो पहले ही जीत का जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं और गुलाल में नहा रहे हैं। ग्राम पंचायत चुनाव में इस बार सोशल मीडिया का भी खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। व्हाट्सएप, फेसबुक पर अक्सर हाथ जोड़े उम्मीदवार ही दिखाई देते हैं। आज चुनाव के निशान उम्मीदवारों को तकसीम किए गए। ग्राम पंचायत चुनाव के बाद बेलगाम और दिगर अजला में कॉरपोरेशन चुनाव की भी हलचल जारी हुई है। वैसे भी अदालत ने आने वाले 5 महीनों में म्युनिसिपैलिटी चुनाव को मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। लिहाजा इसी फैसले के मद्देनजर बेलगाम कॉरपोरेशन अफसरान सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। हासिल इत्तला के मुताबिक वार्ड की तामीर नव यानी वार्ड पुनर्रचना की कार्रवाई की जा रही है, पर यह तमाम मामला बड़े खुफिया तौर पर अंजाम दिया जा रहा है। बेलगाम की तरह हुबली धारवाड़ कॉरपोरेशन का मामला भी वार्ड के तामीर नव पर ही रुका हुआ था, जिसकी वजह से अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था। 2019 में अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा था कि तामीर नव के साथ रिजर्वेशन का भी ऐलान किया जाए और बल्दी इंतखाबात को अंजाम दिया जाए। एक बार फिर अदालत ने आने वाले 5 महीनों में चुनाव मुकम्मल करने का फैसला सुना, जिसके तहत कॉरपोरेशन का आला महकमा खुफिया तौर पर वार्ड पुनर्रचना का काम अंजाम दे रही है। इससे पहले वार्ड की तामीर नौ पर एतराज किया गया था, जिसके बाद इसे रद्द भी किया गया, पर अब एक बार फिर वार्डों की हद को तय किया जा रहा है। पर वार्ड पुनर्रचना को इतना क्यों छिपाया जा रहा है, यह सवाल आज भी बरकरार है। वैसे भी इस दौर को फेक न्यूज का दौर कहा जाता है। झूठ को मीडिया के जरिए बार बार दिखाकर सच साबित करने की कोशिश की जाती है। लिहाजा बेलगाम डीसी एमजी हिरेमठ की जानिब से फैक्ट चेक तरबियती इजलास मीडिया, सहाफी और अफसरान के लिए मुनक्कद किया गया था, जिसमें झूठी खबरों को फैलाकर माशरे में गुमराह करने वाले या तशद्दुद को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई का इशारा भी दिया गया। अक्सर यह देखा जाता है कि झूठी तस्वीरें या किसी मजहब को लेकर इश्तेआल अंगेज मजमून को शाया कर माहौल में नफरत का जहर घोलने की कोशिश की जाती है, जिससे अमन अमां को नुकसान पहुंचता है। लिहाजा सोशल मीडिया के जरिए इस तरह की खबरों को कैसे चेक किया जाए, इसकी पड़ताल किस तरह होती है, इस पर फैक्ट चेक के नाम से तरबियती इजलास रखा गया था। इस वक्त सहाफियों के साथ वार्ता इलाके के कटबूर और दिगर चैनलों के रिपोर्टर्स और करेस्पोंडेंट्स भी मौजूद थे। बेलगाम हवाई अड्डा अब रियासत के अहम तरीन हवाई अड्डों में शुमार हो चुका है। अब तक तकरीबन 30,000 से भी ज्यादा मुसाफिरों ने बेलगाम हवाई अड्डे से सफर किया है। बेलगाम वैसे भी रियासत का सबसे मसरूफ तरीन हवाई अड्डा माना जाता है। बेंगलोर, मैंगलोर के बाद सबसे ज्यादा हवाई सफर करने वाले बेलगाम से ही पाए जाते हैं। बेलगाम हवाई अड्डे पर बेहतरीन खिदमात भी अंजाम दिए जाते हैं, लिहाजा सहूलतों के एतबार से भी बेलगाम हवाई अड्डा बेहतर साबित हो रहा है। बेलगाम से मुसाफिरों की तादाद दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। अब तक 5 कंपनियां अपनी खिदमात अंजाम दे रही है। अलायंस एयर, इंडिगो, स्पाइस जेट, स्टार एयर, ट्रू जेट अपने खिदमात से मुसाफिरों को नवाज रही है। लिहाजा अब तक सिर्फ नवंबर में ही 670 के करीब फेरियां दर्ज हो चुकी है। आने वाले दिसंबर में भी और भी इजाफा होने के इम्कान है। बढ़ते मुसाफिरों की तादाद के मद्देनजर दिगर शहरों के लिए भी उड़ान भरने के लिए हवाई जहाज कंपनियां राजी हो चुकी है, इसकी तला हासिल हुई है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।